Hazrat, students, scholars from Urdu, teachers from Iqbal Institute, Department of Urdu, Central University of Kashmir, and Center of Central Asian Studies, मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये तौसीए खुतबा जो प्रोफेसर नसीम साहब पेश करने जा रहे हैं, जो आज की हमारी मजलिस है, उसका उनवान जो है वो उर्दू कसीदा निगारी में सोध का मुकाम व मर्तबा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि निज़ामती फासलाती तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी पिछले 6 सालों से इस खुतबे का इनकाद करती आ रही है। पहले इस खुतबे का नाम हुआ करता था शेखुल आलम मेमोरियल लेक्चर, लेकिन पिछले 1-2 सालों से हमने इसका जो है टाइटल चेंज करके हामिदी कश्मीरी मेमोरियल लेक्चर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो आज का लेक्चर है, जो आज का ये खुतबा है जो नसीम साहब पेश करने जा रहे हैं, उससे न सिर्फ स्कॉलर स्टूडेंट्स बल्कि जो हमारे शोबे उर्दू के स्टूडेंट्स हैं या हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स करते हैं इस वक्त, जो मास्टर्स में एनरोल है इस वक्त, उनके लिए जो है काफ़ी ये फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है कसीदा निगारी वो उनके कोर पेपर्स में शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो ये खुतबा है तो उसे वो पूरे जो है उससे फ़ायदा उठाएं। मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि मुझे इस निशस्त में मधु किया गया। इस तरह के यादगारी खुतबात का इनेकाद दरअसल इस बात की अक्कासी करता है कि मुहतमिमीन या जो भी इस तरह की निशस्तों का इनेकाद करते हैं वो कितने संजीदा हैं कि अपने उन मायानाज शख्सियतों, उन उलमा, उन दानिश्वरों को याद करें जिन्होंने अपने अपने फील्डों में, अपने अपने शोबों में कारहाई नुमाया अंजाम दिए हैं। बुनियादी दो मकासिद हैं, एक ये है कि इन शख्सियात को याद किया जाए, उनके साथ एक ताल्लुक कायम किया जाए, चाहे वो इस दुनियाई फानी से गुजर चुके हों, क्योंकि आलिमाना और दानिश्वराना एतबार से ये बात बहुत ही अहमियत की हामिल है कि उनके साथ एक ताल्लुक, उनके काम के साथ एक ताल्लुक कायम किया जाए। जब ही उनके साथ दौरे हाजिर के दानिश्वर या मुहक्किकीन एक मुनासिब ताल्लुक कायम करेंगे, तभी हमें अपने अपने शोबों में तरक्की की उम्मीद रखनी चाहिए। शजर से पायवस्त रह और उम्मीदें बहार रख। आज जिस शख्सियत के बारे में, जिस शख्सियत के एजाज में ये खुतबा, इस खुतबे का इनेकाद किया जा रहा है, मरहूम हामिदी कश्मीरी साहब, उनके काम दानिश्वराना जो उनका कंट्रीब्यूशन रह चुका है उनसे हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। गोच जाती तौर मुझे उनसे शर्फ मुलाकात का शर्फ हासिल तो नहीं है, लेकिन जो मैं अपने दोस्तों से उनके बारे में सुनता हूँ या जो थोड़ा बहुत उनके बारे में मैंने पढ़ा है तो वो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ है। जैसा कि मोहतरम अल्ताफ साहब ने अभी फरमाया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की बागडोर एक ऐसे वक्त संभाली जो कि इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही नाजुक दौर रह चुका है। आप हजरात मुझसे ज़्यादा बेहतर इस बात से वाकिफ हैं क्योंकि मैं उन दिनों इस यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता नहीं था जिन दिनों मरहूम हामिदी कश्मीरी साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं।
मुख्तसरन अर्ज करना चाहूँगा कि हर एक शख्स को अपना अपना एक अंदाज होता है काम करने का, जिम्मेदारी निभाने का एक अपना जुदा अंदाज होता है, अलग अलग अंदाज होता है। लेकिन हामदी कश्मीरी साहब के बारे में जो मैंने सुना है कि उनका काम काज कई चीज़ों का मुरक्कब हुआ करता था, जिसमें उनका तजुर्बा, उनकी जहानत, उनकी इल्म, इन चीज़ों के अलावा उनकी सादगी भी शामिल हुआ करती थी। जो आजकल के दौर में मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ये चीज़ें अब हमें सिर्फ लुगात या डिक्शनरीज में ही दस्तियाब हैं। बनी नवा इंसान में खासकर हम जो अपने आप को पढ़े लिखे कहलाने वाले लोग या इल्म दानिश से वाबस्ता लोग, हमारे काम काज में ये चीज़ नुमाया होनी चाहिए। अगर बहसत उस्ताद, बहसत रिसर्च स्कॉलर, बहसत तालिब इल्म हमारे रोज़मर्रा के काम में, हमारे उठने बैठने में ये चीज़ें शामिल ना हों, ये जानना चाहिए कहीं हमारी तरबियत में कोई कमी है, वो तरबियत नामुकम्मल है। तो इन मुख्तसर अल्फाज के साथ आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हामदी कश्मीरी को जो यूनिवर्सिटी में लोग काम करते हैं, सब लोग एक वाइस चांसलर की हैसियत से जानते हैं, सदर शोबा उर्दू की हैसियत से जानते हैं, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की हैसियत से जानते हैं, और जो उर्दू के संजीदा स्कॉलर हैं, असातिज़ा हैं, तो उनको पता है कि हामिद कश्मीरी न सिर्फ एक मुंतज़िम थे बल्कि एक अच्छे शायर थे, एक अच्छे अफसाना निगार थे, एक अच्छे नावल निगार थे, एक अच्छे सफ़रनामा निगार थे, एक अच्छे तज़्ज़िया निगार थे, और सबसे बड़ी बात यह कि एक अच्छे तनकीद निगार थे। उनकी तनकीद निगारी का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने उर्दू में अपना एक ख़ास तनकीदी नज़रिया पेश किया जो उर्दू के इल्मी और अदबी हलकों में इक्तिशाफी तनकीद के नाम से मौसूम है। अब कितने लोग उसे इतफ़ाक़ करते हैं, कितने लोग उसको आला दर्जे का मानते हैं, कितने लोग उसे इख्तलाफ करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यह है कि हामिदी कश्मीरी साहब ने जो अदबी खदमात पेश की हैं, ख़ासकर अदब के फ़रोग में जो उनका किरदार रहा है, तो कश्मीर की तारीख में, ख़ासकर उर्दू ज़बान अदब के हवाले से कश्मीर की तारीख बहुत मुश्किल से उनका कोई हमसर नज़र आता है। ये आज का जो मौजू रखा गया है, ये प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी के नाम से मंसूब है। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी से मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं, मेरी ज़ाती वाबस्तगी रही है। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे गाइड रहे हैं, रफीक़कार रहे हैं। मैंने उनको सदर शोबा की हैसियत से देखा है, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की हैसियत से देखा है, और फिर वाइस चांसलर से कैसे। मुझे खुशी है कि आज ये लेक्चर हो रहा है उनके नाम से, और मैं आज मुझे मदो किया गया कि आप इसकी सदारत करें। जहाँ तक आज के मौजू का ताल्लुक है, जैसा कि डॉक्टर अल्ताफ अंजुम साहब ने भी फरमाया कि जब भी हम उर्दू में कसीदे की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो सौदा का है। इसमें कोई शक नहीं है कि सही मानों में उर्दू में कसीदे को मुतारिफ करने का काम सौदा ने किया है, और इसमें उन्होंने ही वसत और कुशादगी पैदा की। लेकिन सौदा से पहले भी हमारे यहाँ अगर हम दक्कन की तरफ चले जाएंगे, कसीदे की रिवायत मौजूद रही है, गो कि इस सूरत में वो नहीं थी, बल्कि वो कसीदे जो है, कसायद जो है, वो मसनवी की उस सूरत में लिखे गए। चूँकि दक्कन में मसनवी का रिवाज था, बहुत सी मसनवियाँ दक्कन में लिखी गई हैं,
चाहे रजमिया हो, बजमिया हो, आशिकाना हो, मजहबी हो, एक बड़ी रिवायत मौजूद है। इसलिए मसनवी की सिंध में कसाइद भी लिखे गए हैं। मैं दो शहनामों का यहाँ नाम लेना चाहूँगा। एक मुल्ला वजी की कुतुब मिश्त्री और दूसरी अब्दुल दहलवी की इब्राहिम नामा। दोनों शहनामे हैं और दोनों कसाइद हैं और बहुत ही उम्दा कसाइद में शुमार। दोनों का अंदाज जहाँ यकसां है वहाँ अलग अलग भी है। कुतुब मिश्त्री का अंदाज अफसानवी है जिसमें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उनकी जो माशूमा थी भागमती उनका जिक्र किया गया है और इस पस मंज़र में कुतुब शाही सल्तनत और खुद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तारीफें की गई है। ये भागमती तो नहीं है, इसमें लगती नहीं है, लेकिन दर पर्दा भागमती को पेश किया गया है, लेकिन इस मसनवी में उसको बंगाल की शहजादी दिखाया गया है। जहाँ तक अब्दुल दहलवी की इब्राहिम नामा का ताल्लुक है, यह अपने नाम के साथ दहलवी रखते थे और चूंकि दहली से उन्होंने दक्कन का सफ़र किया था और इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार का दरबारी शायर बन गया था, इब्राहिम आदिल शाह सानी का ख्याल ये था कि फिरदौसी के शहनामा की तरह उसका भी एक शहनामा लिखा जाए। इसलिए उन्होंने अब्दुल दहलवी को ये काम सौंपा। जब उनसे कहा गया, उनको मालूम था कि अब्दुल दहलवी को फारसी पर भी अबूर है, तो उनका ख्याल ये था कि फारसी में ये शहनामा लिखा जाए। लेकिन जब अब्दुल दहलवी से उन्होंने इसका इजहार किया तो अब्दुल दहलवी ने ये कहा कि जबान हिंदवी मुझ सोफून दहलवी न जानो अरब और अजम मसनवी। यानी उनको फारसी पर अबूर था और इब्राहिम आदिल शाह सानी को भी ये मालूम था कि लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनके सारे के साथ कहा कि मैं फारसी में ये नहीं लिखूंगा बल्कि उर्दू में लिखूंगा, जिसका ये ज़बान का नाम उस वक्त उर्दू नहीं था। इसलिए उन्होंने अब ये उनका जो इब्राहिम नामा लिखा, इब्राहिम नामा। इसके अलावा और ख़ुद अब्दुल दहलवी ने एक किताब लिखी थी मौसीकी पर जिसका नाम था नवरस नामा। नवरस नामा एक कदीम मौसीकी पर लिखी हुई एक किताब है। जब मैं तहकीक कर रहा था अपने मौजू के सिलसिले में तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, तो मैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम बम्बई में है, मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ वो मखतूता देखा, उसकी फोटोग्राफ भी मेरे पास है। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ दक्कन में एक बड़ी रिवायत मिलती है हमारे कसाइद की, और ये कसाइद जो है ये मसनवी की सूरत में लिखे। जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि निज़ाम मध्य फासलाती तालीम जामिया कश्मीर के ज़ेर एहतमाम सालाना यादगारी इल्मी वादी सतह के तौसी खुतबात का इनेकाद किया जाता है, जिसमें नामवर नाकदीन, उदबा, असातिज़ा किराम और महक़िकीन की खदमात हासिल की जाती हैं। अदबी ज़ौक़ रखने वाले हजरात, तलबा व तालिबात और रिसर्च इस्कॉलर्स इस तरह की अदबी सरगर्मियों से मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी रिवायत की पासदारी करते हुए इस बार ये सालाना यादगारी खुतबा उर्दू कशीदा निगारी में सौदा का मकाम व मरतबा के रवान से मुनक़िद किया जा रहा है। इस फरीज़ा को अंजाम देने के लिए जिस शख्सियत को आज ऑनलाइन लेक्चर के लिए मदऊ किया गया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उर्दू के एक मायानाज उस्ताद और मुहक्किक की हैसियत से संजीदा इल्मी व अदबी हलकों में अपनी एक मुनासिब शिनाख्त रखते हैं।